अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइज। पेज नंबर है जी 112। इस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये देख लें इसके आंसर्स, एक दफ़ा आप लोग देख लें। व्हाट आर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, तो ये पहले भी एक दफ़ा आप लोगों को करवाए हुए हैं, आप एक दफ़ा से दोबारा देख लें। पेज नंबर 106 पे है, लैंड फॉर्म में सबसे पहले फॉरेस्ट ही आता है। फॉरेस्ट मतलब जंगलात। फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया कवर्ड बाय अ थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड बुशेज। फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है, कवर्ड जो कवर होता है बाय अ थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज, जिसमें जंगलात और दरख्त बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, एंड बुशेज और झाड़ियों। फॉरेस्ट वो है, ज़मीन का वो वाला एरिया होता है जो बहुत ज़्यादा दरख्तों और झाड़ियों से कवर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर डेजर्ट, डेजर्ट्स क्या हैं, सहरा आपके पास है, बिल्कुल इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अ डेजर्ट इज़ एन एरिया ऑफ वेरी ड्राई लैंड। डेजर्ट जो है वो ज़मीन का कौन सा हिस्सा होता है जो बहुत ज़्यादा ड्राई लैंड, मतलब खुश्क होती है, ज़मीन होती है। दैट इज़ यूजली कवर्ड विद सैंड एंड इज़ वेरी हॉट विद हार्डली एनी और नो रेनफॉल। तो डेजर्ट्स क्या होते हैं, ज़मीन का वो हिस्सा होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेत से कवर होते हैं, जहाँ पे बहुत कम या बिल्कुल बारिश नहीं होती। ड्राई लैंड होती है, ड्राई मतलब खुश्क लैंड, ज़मीन होती है, खुश्क ज़मीन होती है, यूजली कवर्ड विद सैंड जो रेत से भरी हुई होती है, रेत से कवर होती है, हार्डली एनी और नो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम या बिल्कुल बारिश नहीं होती, वो डेजर्ट या सहरा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द सन हेल्प लिविंग थिंग्स। सन, सूरज जो है वो लिविंग थिंग्स में को कैसे हेल्प करता है, इसका आंसर है पेज नंबर 107 पे। यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सनलाइट। प्लांट्स और एनिमल्स को सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। प्लांट्स जो हैं, पौधे, वो अपनी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी से। वी वर्क एंड प्ले ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप एट नाइट। हम दिन की रोशनी में या सूरज की रोशनी में खेलते हैं और रात को हम सो जाते हैं या आराम करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आई वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप फुट ऑन द मून, हाउ डिड ही गेट देयर। जो पहला आदमी था जो चाँद पर गया था, वो कौन था और उसने वहाँ पर क्या हासिल किया। तो इसका आंसर है, गोइंग टू द मून इस चैप्टर में है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन हु सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो आदमी था जो सबसे पहले चांद पे गया था। इन 1969 द स्पेस शिप अपोलो 11 रीच द मून। उसका नाम जो था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, 1969 में गया था, और जिस स्पेस शिप के जरिए वो गया था उसका नाम था अपोलो 11। दे ब्रॉट बैक द फोटोग्राफ्स ऑफ मून, इट्स सॉयल एंड रॉक्स। उसने वहाँ पर क्या हासिल किया था, चांद की सॉइल, उसकी मिट्टी और रॉक्स की फोटोग्राफ्स उसने ली थी। देर इज़ नो एयर और वाटर, वहाँ पे कोई हवा या पानी नहीं है, दस देर इज़ नो फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन मून। तो इसलिए चांद पे कोई ज़िंदगी भी नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये आपने कर लेने हैं, इनको अच्छी तरह से लर्न करें, राइट करें, और इसकी असाइनमेंट जो है इसको लाजमी सबमिट करवाएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।